क्या आप ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसी मिठाई होती जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और साथ ही हेल्दी भी हो और मिठाई बन भी जाए काफ़ी कम समय, मेहनत और इंग्रेडिएंट से, जिसे हमें ना ज़्यादा एफर्ट लगे, ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लाने पड़े और वो मिठाई महीनों तक स्टोर हो जाए ताकि जब मन करे हम उसे खा सकें। तो आज की ये रेसिपी खास आपके लिए, तो बनाते हैं इसे। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आटे से पेड़े बनाएंगे। इस पेड़े को खाकर आपको ज़रा भी ये नहीं लगेगा कि हमने इसे आटे से बनाया है। इसे आप पूरे महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये मिठाई सिर्फ 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो चलते हैं किचन में। आटे से पेड़ा बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 कप छाना हुआ आटा डालेंगे। ये वही आटा है जिससे हम रोज़ रोटियां बनाते हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। अब अच्छे से इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसकी अच्छे से सिकाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि आटे का कच्चा फ्लेवर निकल जाए और भूनने से एक सोनी सी खुशबू आएगी जिससे इसका स्वाद निखर कर आएगा और कोई ये कह भी नहीं सकता है ये मिठाई सिर्फ आटे से बनी है। एक बात का खास ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते हुए भूनें वरना आटा नीचे से जल सकता है। आटा हल्का भून चुका है, इसे सोनी सी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी में बनाने से इसका स्वाद दुगना आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है। इसे स्पेचुला से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे आप घी के जगह वनस्पति, डालडा, रिफाइंड ऑयल या बिना फ्लेवर के कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, बट इसका बेस्ट रिजल्ट तो घी के साथ ही आता है। घी को हम एक साथ न डालकर 2-2 चम्मच करके डालेंगे और इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स करते हुए मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं आटे का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये एकदम दानेदार दिख रहा है। अभी 1 चम्मच और घी डालकर इसे मिलाएंगे। घी हमें तब तक ऐड करना है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। आटे से यह बहुत अच्छी अरोमा आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसे किचन काउंटर पे रखेंगे। हालांकि गैस ऑफ है फिर भी हमें इसे कुछ देर तक चलाते रहना है क्योंकि पैन अभी तक बहुत गर्म है जिससे ये नीचे से जल भी सकता है। जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से इस मिठाई में मावे का टेस्ट आ जाएगा और ये हर जगह इजीली अवेलेबल भी रहता है। वैसे आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स को भूनकर ग्राइंड करके ले सकते हैं। ये मिठाई काफ़ी हेल्दी और साथ ही स्वादिष्ट भी होता है। बनाने में तो ये आसान है ही, अगर आप एक बार बनाएंगे तो मीठे में आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगे। अब हम मीठे के अकॉर्डिंग 3 चम्मच पीसी हुई धागे वाली मिश्री डालेंगे। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये मिठाई हेल्दी रहे। आप चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मिश्रण गर्म हो तो चीनी ना डालें वरना मेल्ट हो सकता है। अब इसे हाथों से बाइंड करके पेड़ी का शेप देकर देखेंगे। अगर बाइंड होने में आपको परेशानी हो रहा हो तो आप और 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसे पेड़े के शेप में रेडी करेंगे। ये इसी तरह से अनइक्वल शेप में बनाया जाता है। इसे अच्छा लुक देने के लिए पीसी हुई चीनी में इसे कोट करेंगे और फिर एक प्लेट में रखेंगे। सेम प्रोसेस से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे।
इस पेड़े की खासियत ये है कि आप इसे पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं अगर ये बच जाए तो। इस वजह से इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। हमने सारे पेड़े को बनाकर तैयार कर लिया। ये मिठाई काफ़ी हेल्दी होती है। हेल्थ के साथ साथ टेस्ट में भी इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसका स्वाद ही इतना अलग हटके और स्वादिष्ट लगता है। मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रेसिपी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।